चमत्कारी पेड़ के जादुई टमाटर। शिवागंज नामक एक गांव था। कुछ दिन पहले ही उस गांव के लोगों को एक विचित्र चीज मिलती है। एक बार रोहित नाम का एक व्यक्ति नदी किनारे नहाने आया था तो उसे टमाटर वाला पेड़ दिखता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, भला टमाटर पेड़ पर भी उग सकता है? हा? वो तो पौधों पर उगता है, तोड़कर देखूं क्या? टमाटर तो बहुत चमक रहे हैं, घर लेकर चलता हूँ, माँ टमाटर की चटनी बना देगी। ये बोलकर रोहित उस पेड़ के टमाटर को तोड़ने ही जाता है कि अचानक से वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है जो उसके हाथ तक नहीं आ पाता। तभी वो दूसरी कोशिश के साथ एक पत्थर से टमाटर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है। रोहित बहुत हाथ पैर मारता है और वो थक कर कहता है, अजीब है ये टमाटर का पेड़ भी, कोई जादू या चमत्कारी है क्या जो हाथ में ही नहीं आ रहा? छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी लालच बुरी बला है। ऐसा कहकर रोहित अपने घर लौट आता है। रोहित जैसे और भी लोग उस नदी के किनारे आकर उस चमत्कारी टमाटर के पेड़ को देखते थे और टमाटर तोड़ने की कोशिश करते थे, मगर वो टमाटर किसी के हाथ नहीं आते थे। लगभग गांव के अब सभी लोग इस टमाटर के पेड़ को जानते थे। अरे चंदा प्रेमा, उस गांव के नदी किनारे वाले टमाटर के पेड़ के बारे में तो तुम जानती होगी। पता नहीं ऐसा क्या है उस पेड़ में जो आज तक कोई वो टमाटर नहीं खा पाया। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब हम उसका उपयोग ही नहीं कर सकते तो वो क्यों है हमारे गांव में। खैर जाने दो। दिन गुजरते हैं। एक बार चंपा नाम की औरत का पति रोज शराब पीकर इधर उधर पड़ा रहता था, इसी कारण उसका पति चल बसा। चंपा अपनी 5 साल की बेटी नित्या के साथ अकेले रह रही थी। अपने बच्चे का पेट पालने के लिए उसे काम की जरूरत थी, पर गांव का कोई भी व्यक्ति उसे काम नहीं दे रहा था। माँ माँ, भूत लग रही है, तुझ थाना दो ना, कल रात को भी आपने कुछ नहीं खिलाया, बस दूध पिलाया था। मुझे नहीं पता बेटी कि मैं क्या करूं, मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा तेरे पिताजी की वजह से। खुद तो चले गए, वो हमारी जिंदगी और बर्बाद करके गए। फिलहाल तो तेरी भूख मिटाने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर चंपा अपनी बेटी को मजबूरी में दूध पिला देती है। क्या करें, भूखा भी तो नहीं मार सकती थी वो अपनी बेटी को। कुछ देर बाद फिर वो सेठ के पास काम मांगने जाती है। सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम की जरूरत है, मेरी बेटी की मुझे भूख मिटानी है, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए चलेगा। तू तो उसी पियक्कड़ की औरत है ना, है? नहीं नहीं, मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है, चल निकल यहाँ से। सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है, इस बच्चे के बारे में तो सोचिए। चली जा यहाँ से, जब इसके सगे बाप ने इसके बारे में नहीं सोचा तो कौन हूँ मैं, है? बोला ना मेरे पास काम नहीं है तुम जैसों के लिए, निकल यहाँ से। इतना सुनकर चंपा बेटी को गोद में लिए बाहर आ जाती है। वो बहुत रोती है और उसी नदी के पास पहुँचती है। हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, अब और मैं अपनी बेटी को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये पाप भी कर लूंगी, अपनी बेटी को मारकर आत्महत्या कर लूंगी, ऐसे जीवन जीने से तो यही अच्छा है। माँ आप ता तल रही हो, मुझे तो समझ नहीं आला। कुछ नहीं बेटा, बस मैं नदी माता को तुझे और खुद को सौंप रही हूँ। कहीं भी काम ना मिलने से चंपा अपनी बेटी को लेकर नदी में कूद जाती है। उसी वक्त चमत्कारी जादुई टमाटर पेड़ उन दोनों को अपने वृक्ष के तनों से पकड़कर बचा लेता है। ये देखकर चंपा अचंभित हो जाती है। ये कैसे हो गया, मैं तो उस नदी में कूद गई थी, फिर ये पेड़ कैसे हमें बचा सकता है, और क्यों बचाया, मर जाती तो अच्छा था। ये सुनकर वो जादुई टमाटर पेड़ बोलता है, ऐसे अपनी बेटी और खुद की जान लेकर तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही थी, तुम अभी भी अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकती हो। तुम तो बोलने वाले पेड़ हो, और वो भी टमाटर का पेड़, वो तो होता ही नहीं है, और मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, मुझे गरीब को कोई काम नहीं दे रहा है। अगर मैं तुम्हें जीने की इच्छा दूं, इससे तुम अपनी बेटी का बहुत अच्छे से भरण पोषण कर सकती हो। तुम्हारे पास क्या है ऐसा, इन टमाटरों से मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर सोने के टमाटर से तो हो सकता है ना, ये लो। इतना कहते ही जादुई टमाटर पेड़ अपने मुंह से एक तेज रोशनी में सोने के टमाटर देता है। ये सब देखकर चंपा फिर से हैरान हो जाती है। इतने सारे चमचमाते सोने के टमाटर, क्या ये तुमने मेरे लिए दिए हैं, जिससे मैं अपनी बेटी के साथ सुखमय जीवन जी सकूं? बिल्कुल ठीक समझा तुमने, ये सारे सोने के टमाटर हैं, और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं बस जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ। आज तक मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन मैंने किसी को भी अपना लाल टमाटर भी लेने नहीं दिया। अगर तुम्हें ये लाल टमाटर चाहिए तो तुम लेकर जा सकती हो। शुक्रिया चमत्कारी जादुई टमाटर पेड़, हमारी जान बचाने के लिए। मैं
मैं अपनी बेटी का पालन पोषण तुम्हारे कारण अच्छे से कर पाऊंगी। बिल्कुल, अगर तुम्हें मेरी दोबारा जरूरत पड़े तो जरूर आना। मम्मी, ये पेड़ तो बोलता भी है, क्या मेरे को ये झूला झुलाएंगे? हाँ बेटी। फिर वो चमत्कारी पेड़ अपने जादू से झूला लगाकर नित्या को झुलाता है। उसका शुक्रिया अदा कर चंपा अपने घर वापस लौट आती है और उन सोने के टमाटर को एक बक्से में रख देती है और चार पांच टमाटर को सोने की दुकान पर बेचकर बदले में लाए हुए पैसों से अपने घर का राशन भरती है और अपनी बेटी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। अरे वाह माँ, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, ये लो मेरे हाथ से भी खाओ। मैं जानती हूँ दो चार दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया, आपको भी भूख लगी होगी ना? ये लो माँ, अब तो हमारे पास सब कुछ है। हाँ बेटा, तेरी फ्रॉक फट गई है, मैं तुझे आज नई फ्रॉक दिलाऊंगी। ये अब तो बहुत मजा आएगा। फिर खाना खाने के बाद चंपा नित्या को बाजार से फ्रॉक दिलाने ले जाती है और नए खिलौने भी दिलाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो सोने के टमाटर बेचकर अपने टूटे फूटे घर को भी बढ़िया बना लेती है। जादुई सोने के टमाटर की वजह से चंपा अपनी जिंदगी भली भांति जी रही थी। फिर वो गरीब लोगों को देख देख कर उनकी मदद भी करती है, उन्हें खाना खिलाती है, पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े भी देती है। अरे वो सोने के टमाटर तो सारे खत्म हो गए हैं, मैं उस जादुई चमत्कारी पेड़ के पास जाती हूँ। ये कहकर चंपा जाती है कि दो चार किसान बहुत रो रहे थे। भगवान अब क्या होगा, टमाटर की फसल तो सारी खराब हो गई, अब हम मंडी में क्या बेचेंगे? जो भी है अब थोड़े बहुत टमाटर हैं, तो उन्हें महंगा करके बेचना ही होगा, क्योंकि अपने पैसे भी तो निकालने हैं। अब तो यही एक रास्ता है। ये लोग तो अपने टमाटर बेच लेंगे, लेकिन इन्हें भी तो नुकसान हुआ है, पर गरीब लोग अब सब्जी कैसे खरीदेंगे? आइडिया, जादू टमाटर पेड़ ही अब कुछ कर सकता है। ऐसा कहकर वो जादुई चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाती है। हे जादुई टमाटर पेड़, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं गरीब लोगों को और अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल भेजना चाहती हूँ और पैसे खत्म हो चुके हैं। एक चीज और, क्या तुम अपने लाल टमाटर मुझे दे सकते हो, क्योंकि गांव में टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, इतना नेक दिल देख कर तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों का इस पृथ्वी पर होना बहुत जरूरी है, ये लो। इतना कहते ही जादुई टमाटर पेड़ अपने मुंह से ढेर सारे सोने के टमाटर देता है, फिर लाल टमाटर भी देता है। दोनों टमाटर को वो अलग अलग जगह बांध देता है, जिसके बाद चंपा लाल टमाटर देकर गरीब लोगों की मदद करती है और सोने के टमाटरों को बेचकर वो अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में भेजती है और गरीबों को हर शाम खाना खिलाया करती है, जिससे चंपा की खोई हुई इज्जत गांव के लोगों द्वारा उसे वापस मिल जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, भगवान फरिश्ते के रूप में स्वयं मदद करते हैं आपकी। बहुत हुआ, जब देखो आप मुझे कुछ भी बोलती रहती हो, मैं इस घर का बेटा हूँ, लेकिन आपने तो मुझे कुछ भी नहीं समझा, हर एक चीज मुझे बिना बताए हो जाती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा माँ? बेटे जैसे कोई काम नहीं किए तूने आज तक, तुम्हें कुछ भी बता कर नहीं होता, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कावेरी एक बिजनेस वुमेन थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को कुछ नहीं समझती थी। उसका बेटा उसके पैसों पर अय्याशी तो करता था, लेकिन उसे कमाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और अब आशु और भी ज्यादा उसे परेशान करने लगता है। एक तो वो एक पैसा नहीं कमाता और ऊपर से सारे पैसे बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से कावेरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी सहेली विमला से कहती है, यार मैं कितने समय से अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा है कि उसे मेरे बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कब तक उसके खर्चों को अपने सर लेती रहूंगी? एक ना एक दिन तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जो कि वो समझता ही नहीं। अपनी जवानी में बच्चों का यही हाल होता, मेरे हिसाब से तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी करने के बाद उसके सर पर जिम्मेदारी का बोझ आएगा, उसी के चलते उसे अपनी जिम्मेदारी समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द उसकी शादी कर दे। हाँ सही कहा बहन तूने, अब मैं उसकी शादी ही कर देती हूँ, शादी करने के बाद शायद वो सुधर जाएगा। कावेरी ऐसा सोचने के बाद अपने बेटे आशु के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते उसे एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की का रिश्ता आता है। शक्ल से तो तुम बहुत ज्यादा समझदार लगती हो, देखो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बेटे को संभाल सके और उसे सही रास्ते पर ला सके। अवनी कावेरी की बातों को केवल सुनती और कोई जवाब नहीं देती, जिसके चलते कावेरी आशु और अवनी की शादी करा देती है। शादी के बाद अवनी आशु को संभालने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन आशु नशे में इतना डूब चुका था कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी।
हे भगवान, रात के 12 बज रहे हैं और आशु जी अभी तक घर नहीं आए। इस बात के बारे में मेरी सास को पता चल गया तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। अवनी की नजर दरवाजे पर टिकी होती है। जैसे दरवाजा बजता है अवनी दरवाजा खोलती है और सामने आशु बहुत ज्यादा नशे में खड़ा होता है। अरे ये क्या हालत बना रखी है आपने? अपनी माँ जी ने देख लिया ना तो आपके साथ साथ मुझे भी सुनाएंगी। अब मेरे साथ बिना आवाज के चलिए। सहारा लगाकर अवनी आशु को कमरे में लेकर जा रही होती कि तभी वहां पर कावेरी आ जाती है। ये सब क्या है बहू? तुम्हें मैंने कहा था कि शादी करने के बाद मेरे बेटे को सुधारना, लेकिन तुम उसकी गलतियों को छुपा रही हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। माँ जी माफ कर दीजिए, अब मैं क्या करती? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, और फिर मैं इन्हें बहुत समझाती हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरे बेटे को अपनी जितनी मनमानी करनी थी उसने कर लिया, अब इसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। इसलिए कल तुम अपना सामान पैक कर लेना, तुम दोनों अब इस घर में नहीं रह सकते। कावेरी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन अवनी को कुछ समझ नहीं आता और वो सामान पैक कर लेती है, जिसके बाद आशु को लेकर वो घर छोड़कर चली जाती है। अरे कब से चलते जा रहे हैं हम, और कितना चलना होगा? अवनी आशु को परेशान होते हुए देख नहीं पाती, जिसके चलते वो अपने कानों के झुमके बेचकर एक किराए का मकान ले लेती है। उसमें वो दोनों रहने लगते हैं। उनके पड़ोस में एक सुजाता नाम की औरत प्याज का काम करा करती थी। वो खेतों से प्याज तोड़कर उन्हें बाजार में बेचती थी और इसी के सहारे से उनका गुजारा चलता था। वहीं दूसरी तरफ अवनी और आशु दोनों ही गरीबी से जूझ रहे होते हैं। अवनी ये सब मेरी ही गलती है, मैंने जरा भी नहीं सोचा हमारे बारे में। मेरी माँ मुझे कितना समझाती रही, लेकिन मैं हमेशा अय्याशियां ही करता रहा। लेकिन अब मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें कमा कर खिलाऊंगा। आशु काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। वहीं रात के समय घर में आटे के अलावा और कुछ नहीं होता। अवनी की परेशानी देखकर सुजाता उसे अपने घर से थोड़ी प्याज दे देती है। रख लो बहन, आखिर एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। प्याज लेकर अवनी उनसे प्याज के पराठे बना लेती है। शाम को जब आशु बिना नौकरी मिले वापस घर आता है तो उसे बहुत मायूसी होती है। पूरे दिन घूमने से उसको भूख भी बहुत तेज लगती है। इसी के चलते अवनी उसे प्याज के पराठे खाने को देती है। अरे वाह, ये प्याज के पराठे बहुत स्वादिष्ट है, तुमने कहाँ से सीखे? गरीबी सब कुछ सिखा देती है। ये सुनकर आशु को दुख होता है। तभी उसे एक आइडिया भी आता है। क्यों ना हम प्याज के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दे, शायद इस काम में हम पैसे कमा सकते हैं। आशु का बताया हुआ सुझाव अवनी को अच्छा लगता है, जिसके चलते वो प्याज के पराठे का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन वो सुजाता से उधार प्याज लेती है और घर से आटा लेकर प्याज के पराठे बनाती है, जिसके बाद वो गांव में एक पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान बनाकर उसे बेचने लगती। आओ प्याज के पराठे खाओ, ऐसे प्याज के पराठे कभी नहीं खाए होंगे। खाने पीने की कोई भी दुकान नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्याज की दुकान खुलते ही गांव के सभी लोग अवनी की दुकान पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते वो खूब पैसा कमाती है। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी पत्नी खुशी खुशी मेहनत का पैसा कमाकर रहने लगते हैं। इसी बीच अवनी गर्भवती हो जाती है और आशु को एक अच्छी कंपनी में भी नौकरी मिल जाती है। लेकिन अपनी प्याज के पराठे बेचने का काम वो नहीं छोड़ती। एक रोज वो प्याज के पराठे बेच रही होती है, तभी वहां से उसकी अमीर सास की गाड़ी जा रही होती है। अरे ये तो अवनी है, ड्राइवर जरा गाड़ी को रोको। कावेरी अवनी के पास जाती है। अरे बहू तुम यहाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे तुम्हें इस तरह से घर से नहीं निकालना चाहिए था। मैंने अपने बेटे के चलते तुम्हारे बारे में भी एक बार नहीं सोचा। कावेरी की बात सुनकर अवनी मुस्कुराते हुए कावेरी से कहती है। अरे नहीं माँ जी, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। आज आपकी बदौलत देखो हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। और आपको एक खुशखबरी की बात बताऊं, आप दादी बनने वाली हो। अवनी अपनी सास को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर कावेरी को ना बहुत अच्छा लगता है। तुमने इतना दुख झेला, लेकिन आखिरी में तुमने सब संभाल लिया। ऊपर से मेरा बेटा भी अब अच्छी खासी नौकरी कर रहा है। चलो बहू, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर आशु आ जाता है और अपनी माँ से कहता है। नहीं माँ, अब मैं फिर से नालायक बेटा नहीं बनना चाहता। देखो आज मुझे प्रमोशन भी मिल गया है और उसके साथ एक बड़ा सा फ्लैट। मैं तरक्की की ऊंचाइयों पर जा रहा हूँ। अगर आपके साथ रहा तो फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। इसलिए अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया माँ। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ूं। कावेरी अपने बेटे और अपनी बहू को आशीर्वाद देती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब कावेरी को भी अपने जीवन में संतुष्टि हो जाती है और वहीं उसका बेटा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।